नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशनी शर्मा और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार। भोपाल के शांति निकेतन स्थित श्री राम जानकी मंदिर में चल रही संगीत में श्रीमद् भागवत कथा के पांचवें दिन कृष्ण लीलाओं का वर्णन किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु श्रोता उपस्थित रहे। आगामी 22 मई को कथा का समापन होगा, साथ ही भंडारा भी आयोजित किया जाएगा। बड़ा आज के विषय है कि आज हमारे भारतीय निकेतन में परम पूज्य गुरु जी आचार्य द्रौपदी जी के बारहवीं से उनका भागवत सुन रहे हैं। आज पांचवा दिन था। गुरु जी ने जो ज्ञान की बातें बताई हैं, हर मनुष्य को अपने आम जीवन में उसको उतारना चाहिए, बताए उन्हें मार्ग पर चलना चाहिए। हमें दीक्षा ली गुरु जी से। गुरु जी बहुत सहज सरल स्वभाव के हैं। हम सबको गुरु जी का आशीर्वाद मिलता रहे। गुरु जी प्रार्थना की गुरु जी हमारे स्वस्थ रहें और धर्म यात्रा धर्म परिषद के माध्यम से धर्म प्रचार करते रहें। जय श्री कृष्णा। हाजरा भी गुरुदेव भगवान का बड़ा सुंदर चित्रकूट धाम में होने जा रहा है। सभी श्रोता प्रेमियों से और सभी नगरवासियों से मैं आग्रह करूँगा कि आप सभी लोग बढ़ चढ़ के आप सभी लोग भाग लें, और जिनको भी इस अष्टोत्तर में सहभागिता निभानी हो तो सादर आमंत्रित हैं। मैं सभी को आमंत्रण दे रहा हूँ। पूज्य गुरुदेव भगवान के भागवत पीठ धर्मासेवा संस्थान की तरफ से सभी को आह्वान कर रहा हूँ कि आप सभी अष्टोत्तर में पधारें और अपने मानव जीवन को सफल बनाएं। कामतानाथ जी की नगरी में हनुमान धारा दर्शन, मंदाकिनी दर्शन इत्यादि सभी तीर्थों के आप लोग चारों धाम और इत्यादि परिक्रमा का लाभ भी प्राप्त होगा, और श्रीमद् भागवत का अष्टोत्तर सत भी आप लोग सभी मूल पाठ का सभी लोग दर्शन करें। खबर समय जगत के लिए भोपाल से आदित्य सराठी की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।